A two-digit number is written at random. A two-digit number is written at random. Digit at 10 place is non-zero. The probability that the number will be even but smaller than 40 is. A two-digit number is written at random. आपने पेपर पे टू डिजिट नंबर लिख दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये दैट द नंबर विल बी इवन बट स्मॉलर देन 40. ये वैसे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में आया था, लेकिन ये आपसे लोअर एग्जाम में आया, डिप्लोमा 11 साइंस का जो एग्जाम होता है. बात वही है, जब एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आता है बार बार कितना आगे बढ़ाते हैं तो घूमता रहता है. अब ये किसी बच्चे को समझ में आया अभी तक या नहीं? हाँ जी, a two digit number is written at random, digit at 10th place is non-zero, the probability that the number will be even but is smaller than 40 is. तीन चीजें हैं, टोटल आउटकम्स क्या है? टोटल आउटकम 100 हुआ. और जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर इवन बट स्मॉलर देन 40, है ना भाई? इवन नंबर लेस देन 40, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो इसके फेवर में कितने रिजल्ट? बस तीन चीजें लिखनी, आंसर आ गया, और क्या करना? बात किसकी कर रहा है? टू डिजिट नंबर सर, बी होगा. बी 4 by 9. टोटल नंबर्स कितने होंगे पहले ये बता दीजिए. एक सेकंड, 27. टोटल नंबर 27 और फेवरेबल? फेवरेबल हो जाएंगे 12. आंसर आएगा 12 by 27. बहुत अच्छे, शाबाश. और कोई बच्चा? और कोई बच्चा भाई? हेलो, हाँ जी, नमस्कार. नहीं जी, जी भाई, हाँ जी, कौन बताएगा? और कोई बच्चा? बच्चे तो मालूम बहुत अच्छे अच्छे हैं, बाकी सब कहाँ है भाई? यूसुफ, यावर, ताबू, सुमैया, शिमरोज, समीर, सादिक, अकरम, साकिब, सफार, कुशुमा, हमजा, दानिया, बिलाल, आयशा, बाज, आयशा, आसिफ, बहुत सारे सारे लोग हैं. बताओ, तीन दिन पढ़ाया, तीन दिन पढ़ाने के बाद ऐसी हालत कर लेते हो? 1/6 कैसे ही बताओ, 1/6 तो मान लेता हूँ. टोटल रिजल्ट बताओ पहले कितने हैं? 90. टोटल रिजल्ट है 90. देखो डॉक्टर साहब कह रहे हैं टोटल रिजल्ट है 90. क्यों लिया आपने? हाँ भाई, 90 क्यों लिए? शाबाश, बिल्कुल सही बात है. 90 क्यों लिए आपने? बोलो, शाबाश, सही तो बोल रहे हो.
टू डिजिट नंबर सर होते हैं 10 से लेके 99 तक। जब आप ये कह रहे हैं टू डिजिट नंबर इज रिटन एट रैंडम, आपने रैंडमली उठा के टू डिजिट नंबर लिख दिया, तो सर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो 10 से लेके 99 तक। अब 10 से लेके 99 तक नंबर कितने हुए, आप इनको माइनस करो प्लस 1 कर दो। ध्यान रखना मैंने आपको बताया था कि 99 माइनस 10 89 प्लस 1 90 नंबर्स होंगे टोटल टू डिजिट। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास टोटल टू डिजिट नंबर 90। अब आपसे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी इवन बट स्मॉलर देन 40, तो आपको टू डिजिट का इवन नंबर ढूंढना है। तो टू डिजिट का इवन नंबर से 10 से स्टार्ट, 10, 12, 14, 16 और कहां तक जाएगा सर, 38 तक। तो ये आपको करना था कि भाई ये हमारे पास इवन टू डिजिट नंबर्स हैं लेस देन 40। अब ये कितने हैं इवन टू डिजिट नंबर, सर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 19। तो 19 नंबर इवन हो गए, लेकिन नहीं 19 नहीं है सर। क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसमें जो 2 से नीचे वाले नंबर है वो नहीं है सर। कौन से नंबर सर, 2, 4, 6 और 8, तो सर इसमें 4 नंबर नहीं है। तो 19 माइनस 4 15 नंबर होगा सर। तो सर 15 टू डिजिट इवन नंबर्स हैं जो कि 40 से छोटे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई सर, 15/90 कितना हो गया सर, 1/6। सर ये था क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2019 में आ चुका है प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। सर बात समझ में आई क्या?